इस वक्त की वड्डी खबर रूस से यूक्रेन के नाल संबंधी सामने आ रही है। तुहानू दस दिए कि जिथे दोहां देशां दे विचकार अज जंग का दसवां दिन है तो उत्ते एक वड्डी कार्रवाई जो है वह रूस के वलों की गई है। दस दिए कि रूस ने हुण फेसबुक अते ट्विटर जो ने वो बंद कर दिते ने। इस दे नाल ही यूट्यूब नू भी जो है वो ब्लॉक कर दिता गया। जेकर गल की जाए ट्विटर की तो इस दे उत्ते पहले ही कार्रवाई जो है रूस के वलों की जा चुकी सी। उस तो बाद जो है अज एक वड्डी कार्रवाई फेसबुक अते यूट्यूब नू जो है वो ब्लॉक कर दिता गया। हालांकि इस दे पिछे तर्क भी जो है रूस के वलों दिता जा रहा। उन्हों का कहना है कि फेसबुक जो है वह गलत खबर फैला रहा सीगा। रूसी मीडिया नू लैके दोहां दे विचकार काफ़ी ज़्यादा मतभेद ने जिसनों लैके जो है एक कार्रवाई की गई है। हालांकि इस दे नाल ही जेकर गल की जाए तो रूस ने कई कड़े प्रावधान भी जो ने वो कर दिते ने। उन्हों का कहना है कि जेकर कोई गलत खबर फैलाउंदा फड़िया जाता तो उसके खिलाफ़ जो है वो बनती कार्रवाई की जाएगी तो उसनू जेल भी जाना पै सकता है। फौज दियां फर्जी खबर फैलाउन वाले नू जेल जाना पवेगा। इस दे नाल ही रूस सेंसरशिप एजेंसी ने कहा है कि साल 2020 दे अक्तूबर महीने च फेसबुक वालों रूसी मीडिया के खिलाफ भेदभाव के 26 मामले सामने आए सन। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने कहा कि फेसबुक रूसी मीडिया के खिलाफ भेदभाव करता है। उधर फेसबुक ने कहा है कि रूस जो है वो लखां लोगों नू असल सच्चाई तो वांझा करना चाहता है। तो वड्डी खबर है तुहानू दस रहे हैं रूस और यूक्रेन के विचकार जिथे दोवां देशों च भयानक युद्ध चल रहा है। रूस के वलों जो है लगातार मिजाइली अटैक जो ने वो यूक्रेन ते किए जा रहे हैं। तो हुण रूस ने एक वड्डी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया ऐप्स के उत्ते जो है वो पाबंदी लगाई गई है। जिथे तुहानू दस दिए कि ट्विटर के उत्ते एक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी सी। तो हुण तुहानू दस दिए कि एक बार फिर तो फेसबुक नू जो है बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिता गया। यूट्यूब नू ब्लॉक कर दिता गया। इसके पिछे तर्क भी जो ने वो रूस के वलों दिते गए हैं। उन्हों का कहना है कि जो फेसबुक है और रूसी मीडिया के नाल जो है वह भेदभाव करता है। तो दूजे पास इस दे पिछे फेसबुक ने रूसी मीडिया की रूस के वलों इस कार्रवाई से जो है कड़ा संज्ञान लिया। तो उन्होंने कहना है कि जो रूस है वह लखां लोगों को सच्चाई तो वांझा करना चाहता है।